देखिए, आज सेक्टर 39 की टीम मॉर्निंग चेकिंग में निकली थी। सेक्टर 96 और 98 के बीच जो रोड है वहां पे एक संदिग्ध ई रिक्शा जा रहा था। हमारी टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया, ये रुके नहीं, वहां से भागे। इसका पीछा किया गया और चारों तरफ से घेराबंदी की गई। घेराबंदी जब की गई, अपने आप को घिरा देख करके उसमें सवार तीन व्यक्तियों ने हमारी टीम पर अटैक किया। हमने जवाबी कार्रवाई की, उसमें से एक व्यक्ति घायल अवस्था में और बाकी दो को वहां पे कॉम्बिंग में हम लोगों ने पकड़ा। जो इंजर्ड हुआ है उसको लेकर के तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उसने पूछताछ में अपना नाम रोहित बताया और बाकी जो दो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए, एक राज है और दूसरा मनीष है, ये सभी यहाँ किराए के मकान पे नोएडा में रहते हैं और बेसिकली ये ऑटो लिफ्टर हैं। जो रोहित है, जो इंजर्ड है, इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। पहले दिल्ली में रहता था। बाकी जो ई रिक्शा था, ये कल ही हमारे सेक्टर 16 में बुक करा करके ये तीनों उसको लेकर के गए थे और महामाया पे इन लोगों ने ड्राइवर को फेंक करके ये जो ई रिक्शा है उसको लूट लिया था। हमारे यहाँ उसमें अभियोग भी पंजीकृत है। इन लोगों के पोजिशन से हम लोगों ने जो ये कल लूटा हुआ ई रिक्शा था, इसको जिसमें आज ये ट्रेवल कर रहे थे, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। एक तमंचा बरामद हुआ है। बाकी इनसे और पूछताछ की जा रही है और जहां ये डिस्पोज ऑफ करते थे, किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते थे, पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी हम लोग भी पूछताछ में अभी पता करेंगे। बाकी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आज सेक्टर 39 की टीम मॉर्निंग चेकिंग में निकली थी। सेक्टर 96 और 98 के बीच जो रोड है वहां पे एक संदिग्ध ई रिक्शा जा रहा था। हमारी टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया, ये रुके नहीं, वहां से भागे। इसका पीछा किया गया और चारों तरफ से घेराबंदी की गई। घेराबंदी जब की गई, अपने आप को घिरा देख करके उसमें सवार तीन व्यक्तियों ने हमारी टीम पर अटैक किया। हमने जवाबी कार्रवाई की, उसमें से एक व्यक्ति घायल अवस्था में और बाकी दो को वहां पे कॉम्बिंग में हम लोगों ने पकड़ा। जो इंजर्ड हुआ है उसको लेकर के तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उसने पूछताछ में अपना नाम रोहित बताया और बाकी जो दो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए, एक राज है और दूसरा मनीष है, ये सभी यहाँ किराए के मकान पे नोएडा में रहते हैं और बेसिकली ये ऑटो लिफ्टर हैं। जो रोहित है, जो इंजर्ड है, इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। पहले दिल्ली में रहता था। बाकी जो ई रिक्शा था, ये कल ही हमारे सेक्टर 16 में बुक करा करके ये तीनों उसको लेकर के गए थे और महामाया पे इन लोगों ने ड्राइवर को फेंक करके ये जो ई रिक्शा है उसको लूट लिया था। हमारे यहाँ उसमें अभियोग भी पंजीकृत है। इन लोगों के पोजिशन से हम लोगों ने जो ये कल लूटा हुआ ई रिक्शा था, इसको जिसमें आज ये ट्रेवल कर रहे थे, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। एक तमंचा बरामद हुआ है। बाकी इनसे और पूछताछ की जा रही है और जहां ये डिस्पोज ऑफ करते थे, किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते थे, पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी हम लोग भी पूछताछ में अभी पता करेंगे। बाकी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आज सेक्टर 39 की टीम मॉर्निंग चेकिंग में निकली थी। सेक्टर 96 और 98 के बीच जो रोड है वहां पे एक संदिग्ध ई रिक्शा जा रहा था। हमारी टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया, ये रुके नहीं, वहां से भागे। इसका पीछा किया गया और चारों तरफ से घेराबंदी की गई। घेराबंदी जब की गई, अपने आप को घिरा देख करके उसमें सवार तीन व्यक्तियों ने हमारी टीम पर अटैक किया। हमने जवाबी कार्रवाई की, उसमें से एक व्यक्ति घायल अवस्था में और बाकी दो को वहां पे कॉम्बिंग में हम लोगों ने पकड़ा। जो इंजर्ड हुआ है उसको लेकर के तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उसने पूछताछ में अपना नाम रोहित बताया और बाकी जो दो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए, एक राज है और दूसरा मनीष है, ये सभी यहाँ किराए के मकान पे नोएडा में रहते हैं और बेसिकली ये ऑटो लिफ्टर हैं। जो रोहित है, जो इंजर्ड है, इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। पहले दिल्ली में रहता था। बाकी जो ई रिक्शा था, ये कल ही हमारे सेक्टर 16 में बुक करा करके ये तीनों उसको लेकर के गए थे और महामाया पे इन लोगों ने ड्राइवर को फेंक करके ये जो ई रिक्शा है उसको लूट लिया था। हमारे यहाँ उसमें अभियोग भी पंजीकृत है। इन लोगों के पोजिशन से हम लोगों ने जो ये कल लूटा हुआ ई रिक्शा था, इसको जिसमें आज ये ट्रेवल कर रहे थे, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। एक तमंचा बरामद हुआ है। बाकी इनसे और पूछताछ की जा रही है और जहां ये डिस्पोज ऑफ करते थे, किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते थे, पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी हम लोग भी पूछताछ में अभी पता करेंगे। बाकी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आज सेक्टर 39 की टीम मॉर्निंग चेकिंग में निकली थी। सेक्टर 96 और 98 के बीच जो रोड है वहां पे एक संदिग्ध ई रिक्शा जा रहा था। हमारी टीम ने उसको रोकने का प्रयास किया, ये रुके नहीं, वहां से भागे। इसका पीछा किया गया और चारों तरफ से घेराबंदी की गई। घेराबंदी जब की गई, अपने आप को घिरा देख करके उसमें सवार तीन व्यक्तियों ने हमारी टीम पर अटैक किया। हमने जवाबी कार्रवाई की, उसमें से एक व्यक्ति घायल अवस्था में और बाकी दो को वहां पे